राम राम जी, फिर से स्वागत है आपका एक और नई सुबह में। और ये देखो, दूसरे रूम में से मैं फोकस कर रहा हूँ इनके रूम में। दीदी बोलने के लिए तो एकदम खड़ा हो गया तू, नहाने के लिए भी हो जा। और ये तो भाई आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है, अभी फिलहाल जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो है कुल्लू का। कुल्लू में जाके राफ्टिंग करेंगे, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, अभी प्लान ऐसा है। बाकी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई ये जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये बच चुका है। अब वो तो मैं लेता नहीं, ये तो मेरे को ही निपटाना पड़ेगा सब, ये तो सब मेरे को ही निपटाना पड़ेगा। क्या निपटाया मैंने? वैसे मैं तेरे को चाह नहीं रहा था कि तेरे को इस टाइम ब्लॉग में लूं, लेकिन तूने अगर पड़ी लकड़ी ली है तो क्या मैं इसका जवाब दूं? सबूत के साथ दूं? क्या मैं जवाब दूं? क्या मैं जवाब दूं? तो आज खाने में देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। ओहो, छोले भटूरे हैं यार, कैसे डाइट करूं मैं? कैसे खुलेगा ये? ये देख लो, इतने टोस्ट, और ये गिरेगा नीचे, खुल गया। ये अपने छोले, तो अभी सब जब आ जाएंगे तो लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ये सामान वामान पैक करके चल दिए हैं राफ्टिंग करने के लिए। और ये साइड में अपना मनाली का थाना, यहाँ से अभी छुड़वाया इसको, इसको पीने के बाद पकड़ लिया था पुलिस वालों ने। तो अब चलेंगे राफ्टिंग करने, आगे दिखाते हैं आपको। फोन में ज्यादा साफ दिख रही है, तो इतनी ऊपर ही जाता है ये बस। ये टॉप है इसका, केबलों ने रोक लिए थे, कभी बंदे आस पास भी गायब हो जाए। तो भाई कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, अब पीछे भरा जाएगा फॉर्म, फॉर्म भरते हैं अभी। रस्तोगी के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करवाते हैं। भाभी रस्तोगी से रहे तो सबसे ज्यादा डर रहा है इस टाइम पे रफ करने में। चलो दिखाओ। मैं नहीं जाऊंगा रात में, सोऊंगा भाई आराम से, तुम जाओ। प्रिंस रस्तोगी कहाँ गया? रस्तोगी मुंह उतरी गली। राउट से पहले ही निकल गया। रस्तोगी। ये बढ़िया था भाई। चलो यार राफ्ट के लिए चल रहे हैं, बढ़िया तैयार हो रहे हैं भाई, चलते हैं। ये खड़ी गाड़ी अपनी। क्या क्या क्या? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जायदाद के नाम करवा रहा हूँ। और इससे पहले क्या हुआ था? मूत आ गई थी नाम सुनते ही। और सरकारी नौकरी भी अपनी है, मतलब प्रॉपर्टी अपनी तो बेच के सरकार विपरीत बुद्धि। दिल गार्डन गार्डन हो रही है। मैं जा रहा हूँ राफ्ट करने। रस्तोगी भाई कुछ हो जाए तो देख लिए। नहीं ये तो सर पे कफन बांध के जा रहा पहले से ही। चीता ही कह रहे हैं। चीता मूत का है अभी राफ्टिंग से पहले। तो भाई चल दिए हैं राफ्टिंग करने अपने कैंपर में बैठ के बुलेरो।
नजारे लेते हुए। हरिद्वार की राफ्टिंग तो बहुत करी हमने ऋषिकेश में जो करते हैं। राफ्ट चल दी है भाई, आ जाओ। तो भाई इन पे बैग तो है नहीं राफ्टिंग का, तो फोन को वापस दे देंगे। और अब कैसे दिखाएं आपको जब इन पे बैग वैग ही नहीं है तो। एक चीज और पता लगी अभी भाई, इसने गई थी 9 किलोमीटर वाली अपने को, और ये 7 वाली है। यहाँ पे 9 वाली कोई भी नहीं है, मेन एक ही पॉइंट है सिर्फ। यहाँ पे 7-9 वाला कुछ सिस्टम नहीं है, एक ही पॉइंट रहेगा। चलो राफ्टिंग करके फिर एक्सपीरियंस बताते हैं। चलो वीडियो में आए करो। तो भाई राफ्टिंग करके बैठ चुके हैं गाड़ी में, और फोन वगैरह लेके नहीं गए थे, तो राफ्ट वाले पे जो GoPro होता है उसकी क्लिप्स शो इसमें डल जाएंगी हमारे ब्लॉग में। तो इससे पहले के शॉट में आपको दिख जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। और यहाँ की राफ्टिंग थोड़ी अलग तरीके की है, मतलब मजा आएगा। मुझे तो बस एक ही चीज का दुख है कि रस्तों की भाई कैसे बच गए। अगर मैं मुझे कुछ होता तेरी बहू का कौन ध्यान रखता है भाई, उसका भी तो मुझे ध्यान रखना नहीं है तो भाई कुल्लू में जो बिजली महादेव जी का मंदिर है उसमें कुछ ऐसा रास्ता है, अब इसी पे से ही गाड़ियां आएंगी, इसी पे से ही गाड़ियां जाएंगी। देख लो कितना चौड़ा रोड है। खैर मेरे को तो अच्छा लगता है, रास्ते पर गाड़ी चलाना मजा आता है। देख लो कितनी थी, वैसे ही पे गाड़ी आएंगी जाएंगी। बाकी मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिर दिखाते हैं आपको, दर्शन करवाएंगे आपको भी। तो भाई गाड़ी बैक करके लगाई थी, और कैमरे में देख लो बैक में खाई। जुराबे जुराबे तो गाड़ी देख लो कहां खड़ी है, पहाड़ के ऊपर बिल्कुल। एक ही अपनी 10 जोड़ी जुराबे गिनवा रहा है भाई, टॉप पे खड़े हैं बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे। व्यू देखो भाई क्या बढ़िया आ रहा है। पोल से तो हालत खराब हो गई है सबकी, इसको देखो कैसा रहा भाई ट्रैक ऊपर तक का, कैसी हालत हो रही है। वहाँ बैठा हुआ है बेचारा, परेशान फोन पर लगा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो यार आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाइयों, हम बिजली महादेव के दर्शन कर चुके हैं यार, तो मतलब ट्रैक कहूँगा तो मैं सही है ट्रैक, ये समझ लो तुम बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो उसके बाद आपको बाबा, हाँ सकून यार, यहाँ आके तो सकून है, बाबा के दर्शन हुए अच्छे से, बड़ा हिम्मत मानता हूँ इन लोगों की। तो देखो अंदर, देखो परिसर में तो वैसे तो मना ही है, लेकिन दिखाना भी नहीं चाहिए, अगर चोरी छुपे जो दिखाते हैं वो भी गलत ही है भाई। देखो नहीं बाहर से दिखाएंगे जो है, नहीं वही वहाँ का व्यू दिखा देंगे, मंदिर आपको दिखा देता हूँ अभी मैं। तो देखो ये है बाबा का मंदिर, और यहाँ के नज़ारे देखो, क्या ही बोलूँ मैं। और भाई ट्रैकिंग करके मैं आ गया हूँ सबसे पहले, और मैंने आगे आँच वाच अपनी बढ़िया कर ली, और देखो क्या सिस्टम, एक भर ली है दूसरी हो रही है। चलो करते हैं अपना स्टार्ट, पर इंतज़ार करते हैं उनका। तो भाई दर्शन करके चल दिए हैं,
और हालत हो रही है पैरों की बहुत बुरी, कांप रहे हैं भाई पैर, कांप रहे हैं। अरे कोई नहीं, और हम घूमने निकलते हैं तो तुम्हें पता ही दिमाग के हम थोड़े ऐसे ही हैं। अब मनाली से यहाँ से जाएंगे, कौन सी जगह पड़ती है ये भाई? कुल्लू कहाँ से आ गए? कुल्लू से तो बहुत ऊपर है, हम खड़े हैं बिजली महादेव के पास। बिजली महादेव से हम निकल रहे हैं, 30 किलोमीटर है कुल्लू यहाँ से, ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। उल्टा रास्ता, पहाड़ों पहाड़ों का रास्ता उल्टा, अब यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश भोलेनाथ के दर्शन। और रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता देखो, देख लो भाई, यही आने का यही जाने का। सबसे बड़ी दिक्कत है फोग लैंप खराब हो रही है हमारे, और फोग लैंप ठीक हो नहीं पाए हैं अपने। चलो दिखाते हैं आपको आगे आगे रास्ता, बाकी देख लो यही आने का यही जाने का। और भाई यहाँ पे कोई आए तो अपना गाड़ी बहुत देख के चलाए, बहुत ज्यादा, देखो कैसे हिल रही है। और सेडान लेकर ना आए हाँ, तो भाई कोशिश करो ऊंची गाड़ी से ही आओ, क्योंकि वरना का चैम्बर फट गया था रास्ते में। ऊंची को भी ऊंची करवा के लाओ। ऊंची को भी ऊंची करवा के लाओ। चलो दिखाते हैं आपको आगे आगे। तो भाई डलवाएंगे अब डीजल, पंप पे आ चुके हैं, टंकी फुल करवाएंगे, इसका मोर जल चुका है। तो भाई साहब डीजल भर गया है पूरा, ठीक है, टंकी फुल करा के चलो पहाड़ों पर कभी भी। और उसके बाद एक हुक्का पियेंगे, उसके बाद देखेंगे खाने पीने का। देखो बात ऐसी है, चला चला के गाड़ी इसकी एनर्जी होगी लो, ORS लेकर आया अगला कि ORS पियेंगे। टंकी को मतलब गाड़ी को हमने पिला दिया है, और ये देखो ये कह रहा है कोल्ड ड्रिंक का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर लूंगा। हाँ मतलब कुछ तो होना ही चाहिए इसका। और भाई गाड़ी ऐसी चलाइए टनलों में, जैसे ओवरटेक वगैरह करते हैं तो बैरिकेड वो क्या होते हैं, वो रोड के बीच में लग रहा है, क्या बोलते हैं, डिवाइडर, वो ऑरेंज कलर के जो लग रहे थे BLC मीडिया पर, ऑरेंज डंडे। हाँ, और ऊपर से ज्यादा ओवरटेक वगैरह करिए तो गाड़ी के आगे फोग लैंप टूट गए, स्कॉर्पियो के आगे पट्टी लटक गई, तो मतलब कुल मिला के नुकसान कर दिया है। नुकसान क्या है, टूर पाए हैं। तो भाई देखो मैं पहले से कहता हूँ ये आदमी एग्रेसिव ड्राइवर है। गाड़ी कैसे चलाई, आया कोई सा आगे? कह तो रहा हूँ एग्रेसिव चला, यूं करके गया यूं करके। लेकिन भाई हमारी टनल में एक बार थोड़ी सी हम भी डरे थे, भोप द बिल्डर आ गया था। टनल में भाई गाड़ी अपनी लाइन में, जैसे मैंने यू लाइन में ली ना, ऐसी ओवरटेक करके ऐसे ले रहा था, अब जैसे यू करके ली सामने सही क्रेन, मैंने कहा चलो बढ़ जी वापिस। भाई 2:30 बजे रुकी है अब गाड़ी तेल डलवाने के बाद, दबानी की था। 3 बज गए मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाह कह रहे हो। अबे होटल के बाहर लगा गाड़ी, बिल्कुल भाई साहब किधर दबाऊं, जहाँ मर्जी दबा होटल के बाहर लगा। आगे से ना घुमा ले जाता है तो ना ना ऐसी हो जाएगी ऑफ तुम। ओ बेटा छाता घुमा दिया। हाँ हाँ देख रहा हूँ भाई, इधर ही इधर देख लो, तो वो भी असरा देख होटल वाला। चलो कुछ खा लें भाई, भूखे हैं। भाई चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा। तो भाई हुक्का हो रहा है ताजा, बस बस बोलते हैं। और यहाँ भी लिया है तोड़ के, खाना आ चुका है भाई गरम गरम। तुम दोनों की कमीजें तो सेम सी लग रही है वीडियो में, कमीज मैंने तो सिलवाई थी, मैंने पहले आलम लिया था, फिर भाई भाई पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। और ये देखो भाई बता देना तो उठाऊं। ओ